बट एयन ने कहा, बोला चलो दो लोग मैं तुम्हें दे देता हूँ फाइट के लिए, बट गारंटी मेरे नहीं है कि तुम मैच में टांगों पे जाओगे कि नहीं। और अभी डिसाइड करते हुए मैक और राहु कि कौन जाएगा मैच के अंदर। और देखिए कैसे अनबन हो रही है मैच के स्टार्टिंग में ही, डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन लड़ेगा नील के साथ। और बाहर मैच का मजा लेने के लिए बैठ गए हैं एयन कुर्सी लगाकर। और आते ही मारने की कोशिश कर रहे हैं मैक, और ये रिंग बेल होती हुई बहुत ही ज्यादा इंटिमिडेट लगते हुए। और ये टैग ले लिया है राहुल ने और मारने के लिए जा रहे थे, उठा के पटक दिया है नील ने, बहुत जबरदस्त शोल्डर टैकल लगा दिया है। और साइज की अगर बात करूं नील इन दोनों से ही कटकाठी में काफी ज्यादा, हाइट भी बहुत अच्छी, वेट भी ज्यादा। और ये देखिए कैसे डिस्ट्रैक्ट करके पीछे से अटैक कर दिया है, अपनी चाल शुरू कर दी है रसिल माफिया ने, बहुत ही गंदी तरीके से टांगों पे अटैक करा जा रहा है जिससे कि नील मैच के अंदर डाउन ही रहे। बहुत बुरी तरह झटका दे दिया है दोनों टांगों को पकड़ के, और ये साथ में दोनों ही इल्लीगली आके नील को मार रहे हैं। देखिए कैसे टांग फंसा दी है नील की कॉर्नर में, और ये नील छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं टांग, और ये मुझे लगता है छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे क्योंकि मैच की शुरुआत ही है अभी है। और ये देखिए कैसे अटैक हो रहा है, एक ने टांग पकड़ी है और एक मुंह पे मुक्को की बचार कर रहा है, जबरदस्त ड्रॉप किक दे दी है टांग को पूरा चकनाचूर करते हुए। यहाँ पर टीम रसल माफिया और यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये मैक और राहु मॉक कर रहे हैं किंग ऑफ बाइसेप्स करके। और देखना होगा, ओह माय गॉड, एक गट में किक करी और जबरदस्त ड्रॉप किक कर्टिसी ऑफ रसल माफिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैंडल करते हुए अभी नील को पूरा डाउन कर दिया है मैच के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ही, और हालत बेकार कर दी है। अब डबल सुप्लेक्स के लिए जा रहे हैं मुझे लग रहा है, और ये बहुत जबरदस्त तरीके से डबल सुप्लेक्स कर दिया है यहाँ पर। और अब पिन के लिए जा रहे हैं राहु, वन पे ही किक आउट कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता नहीं इतने कच्चे खिलाड़ी हैं नील कि एक सुप्लेक्स के अंदर ही अपनी हार मान लेंगे। जब इन्होंने रिटर्न करा है तो कुछ सोच समझ के ही करा हुआ, इनका कहना है ये रसल स्क्वायर टैग टीम चैंपियन होने चाहिए। और ये उड़ा दिया है डबल क्लोज लाइन में टीम रसल माफिया के दोनों मेंबर्स को, राहु और मैक को, और वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर नील अपनी टांग को झटका देते हुए जो कि तोड़ी है राहु और मैक ने मिलके, और ये उठा लिया है बहुत जबरदस्त बारी, पहले सुप्लेक्स कर दिया है मैक को। नील ने अपनी पावर को डेमोंस्ट्रेट करते हुए दूसरे रेसलर को भी उठा के वो बैली टू बैली कर दिया है, बहुत ही खतरनाक तरीके से हेड फर्स्ट टच हुआ है यहाँ पर राहु का जो कि बहुत डेंजरस है, और अपनी टांग को झटका देते हुए क्योंकि ड्रॉप की लगी थी इनकी टांग पे, तब से इनकी जो बैलेंस था वो टांगों का बिगड़ चुका है यहाँ पर मैच के अंदर। और अब मैच के अंदर इन्होंने बैलेंस वापस लाया है डबल क्लोज लाइन से उड़ा के, और ये डबल ड्रॉप किक मिसल ड्रॉप किक कर दी है, और मुझे लगता है कीपअप करने की कोशिश करी बट टांग में दर्द के कारण ये नहीं कर पाए, और पिन के लिए जा रहे हैं। मुझे लगता नहीं कुछ होगा क्योंकि दोनों ही मेंबर अंदर हैं रिंग के, और अभी फ्रेश ही लगते हैं मुझे मैक और राहुल क्योंकि ज़्यादा पिटाई हुई नहीं है इनकी। ओ रनिंग करके आ रहे थे, एक छाती पर थप्पड़ लगा के गिर दिया है नील ने यहाँ पर। और अब देखना होगा कि एयन यहाँ पर कोई तरकीब कर पाते हैं कि नहीं इस मैच में विजय करवाने के लिए अपनी टीम को, या नील इसी तरीके से डेमोलिश करते रहते हैं इन दोनों रेसलर्स को और मैच के अंदर विजय बनाते हैं। और यहाँ पर पीछे इनको मुड़ के देखना होगा, अपने मेंबर्स को देख के कोई फायदा नहीं, राहु को पीछे मुड़ के देखना होगा, नील टाक में खड़े हैं और ये जबरदस्त तरीके से पेट में घुस के, मुझे पता नहीं पाउंस था या स्पीयर था,
बट बहुत ही जबरदस्त तरीके से उड़ा दिया है यहाँ पर राहू को, और थ्री काउंट ले लिया है नील ने, और मैच में बहुत ही इजी विक्ट्री इनको मिल चुकी है पीछे से आते हुए नील, और ये टांग पे फिर से अटैक करना शुरू कर दिया है। ओ मैच के शुरुआत से ही लेफ्ट लेग पे अटैक करके रखा है, और मुझे लगता है जीतना इनका उद्देश्य नहीं था इस मैच के अंदर रसल माफिया का, इनका उद्देश्य था नील की टांग को तोड़ना, जो कि अभी ये कर रहे हैं। मैच खत्म होने के बाद भी असॉल्ट जारी रखी हुई है नील के ऊपर, और टांगे पे प्रहार कर रहे हैं टीम रसल माफिया। और विसर्जनों, अगर आपको ऐसे बहुत से मैचेस देखने हैं और इंडियन प्रोफेशनल रेसलर्स को देखना हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफाई आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए, और बताइए आपको मैच कैसे लगा। और ये आते हुए केविन मलिक, और आते ही बहुत जबरदस्त क्लोज लाइन लगा दी है रसल माफिया से। इनकी क्या दुश्मनी है मेरे को पता नहीं, बट लगता है केविन मलिक दोस्त हैं नील के, तभी उनको सेव करने आ चुके हैं। और ये बाहर फेंकते हुए केविन मलिक रसल माफिया के मेंबर को, और एक धुलाई करते हुए नील एओन का, और तीनों रसल माफिया के मेंबर को।